इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में भी जिस प्रकार की चीजें उजागर हो रही हैं, आने वाले समय में हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस सरकार की सच्चाई लोगों के लिए जाने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की जहां तक आपने बात करी, वो जितने भी हम आपके सामने 7-8 लोग बैठे हैं, हमारे कार्यक्षेत्र में वो चीजें नहीं आती। पार्टी का फैसला है, हाईकमान का फैसला है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का फैसला है, राहुल जी का फैसला है। देखिए, हमारी अगर कोई राय पूछेगा तो जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो राय रखेंगे, पर इसमें हाईकमान डिसीजन लेगा तो वो सभी को शर्म मानना होगा। नहीं, हरियाणा युवा कांग्रेस से इस बारे में कोई सलाह नहीं। जहां हमसे पूछा जाता है, बुलाया जाता है, वहां अपने स्तर पर जो हमने बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखनी हो, वो हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हो, राष्ट्रीय प्रभारी के माध्यम से हो, हम जरूर अपना जो है सजेशन रखते हैं। परंतु इस बारे में जो फैसला होगा वो मीडिया के माध्यम से ही पता लग रहा है, जिस प्रकार की चर्चाएं आप बता रहे हैं, तो जो ये फैसला होगा सभी को शर्म आने। मैंने बताया कि प्रदेश में जो भी फैसला होगा वो सभी को शर्म आने होगा, और चाहे वो किसी भी स्तर का फैसला हो। तो ये 3 साल से फैसला होकर ये शर्म आने क्यों नहीं है? नहीं, सभी को शर्म आने हैं, हमारे लिए सभी आदरणीय, हमारे सभी नेता है प्रदेश के, इसमें कोई ऐसी बात। तो सब आपके साथ बैठे हैं, सामने बैठे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी के लिए चाय का अरेंजमेंट है, प्लीज 5 मिनट चाय जरूर। थैंक यू सबका ना। इसके बाद फिर ज्यादा हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, फिर आपको दे देंगे। आप सभी मीडिया के साथियों का हरियाणा यूथ कांग्रेस की टीम की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भाई दीपक चोटीवाला जी, उनके साथ भारतीय युवा कांग्रेस में ही राष्ट्रीय सचिव हरियाणा के प्रदेश प्रभारी भाई शिवी चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में यंग इंडिया के बोर्ड में यूथ कांग्रेस की नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और यंग इंडिया के बोर्ड की हरियाणा की इंचार्ज हमारी बहन हरनीत बराड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई शांतनु चौहान जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के इंचार्ज भाई नीतीश शर्मा जी, हमारे पंचकुला के अध्यक्ष भाई अंकुश निषाद जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हरियाणा के अंदर इस कैंपेन को लॉन्च करने का है। इसका नाम यंग इंडिया के बोर्ड सीजन 2। इसके अंतर्गत भारतीय युवा कांग्रेस एक ओपन प्लेटफॉर्म रख रही है हरियाणा के नौजवानों के लिए कि वे आगे आए और पार्टी के साथ जुड़े और
पार्टी में जो स्पोक्स पर्सन जो यूथ कांग्रेस के आने वाले समय में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, वो इस कैंपेन के माध्यम से जुड़े और उसमें अलग अलग स्तर पर उन सभी युवाओं को पार्टी जो है वो अपॉइंट करेगी और इसके लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी। बाकी इसके बारे में हमारी बहन हरमीत बराड़जू जो आज पंजाब से यहाँ आई है वो इसके बारे में विस्तार से रखेंगी। पर उससे पहले मैं आदरणीय दीपक चोटीवाला जी से अनुरोध करूंगा कि वे आपके बीच में अपनी बात रखें। चालू है। थैंक यू दिव्यांशु जी, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज भारतीय युवा कांग्रेस के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। हमेशा आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। मुझे याद है कि यंग इंडिया के बोल का जो पहला सीज़न था उसको हमने, जो हमारा पीसीसी ऑफिस है हरियाणा का, वहाँ से लॉन्च किया था, मैं खुद आया था। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने बताया है कि यंग इंडिया के बोल का जो ये प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मंच है जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को एक मौका मिलता है, भले ही वो कांग्रेसी विचारधारा से उत्प्रोत हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस से जुड़ करके राजनीति के माध्यम से वो मुखरता और प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं समसामयिक विषयों पर। तो ये मंच उन सभी नौजवानों को भारतीय युवा कांग्रेस उपलब्ध कराता है और बहुत सफल और शानदार इसका पहला जो सीज़न था वो रहा। उसमें तमाम ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां स्पोक्स पर्सन के रूप में जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमें मिले, जिन्होंने तमाम माध्यमों से प्रत्येक स्तर पर जो भी स्तर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने न सिर्फ मीडिया को कांग्रेस पार्टी का जो अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक विषय हैं या जो समसामयिक राजनीतिक चर्चा परिचर्चा रहती है मीडिया को अवगत कराया, बल्कि ये समझाने का भी प्रयास किया, ये बताने का भी प्रयास किया कि किस तरीके से अलहदा रूप से कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस नौजवानों को न सिर्फ मैदानी राजनीति, न सिर्फ संगठन की राजनीति, न सिर्फ चुनावी राजनीति, बल्कि ये अलग तरीके से एक अलग मंच से लोगों को आगे बढ़ने का मौका हम लोग दे रहे हैं। तो हमारा ये यंग इंडिया के बोल का सीज़न 2 अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर लॉन्च किया जा रहा है। इसका फिनेले दिल्ली में पिछले साल हुआ था और इस बार भी होगा, उसके बारे में तमाम जानकारी किन किन चरणों में किस तरीके से इसमें नौजवान जो हमारे लड़के लड़कियां हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्रक्रिया और किस तरीके से उनका हम लोग चयन करेंगे उसके बारे में हमारी बहन यहां पर हैं और वो भी यंग इंडिया के बोल का जो हमारा पहला सीज़न था वहाँ से निकल कर के आई हैं और आज हरियाणा में यंग इंडिया के बोल का जो हमारा ये पूरा प्रोसेस रहेगा उसको वो लुक आफ्टर कर रही हैं और यहाँ की वो इंचार्ज हैं यंग इंडिया के बोल की, तो वो इसके बारे में वो बताएंगी। उसके अलावा आपके कुछ सवाल होंगे तो उनके जवाब उसके बाद हम लोग दे देंगे। तो हरनीत जी इसके बारे में बताएंगे। हाँ, इधर कि आज मैं अपने इतने सीनियर्स दीपक भाई साहब, शिवी चौहान जी
और दिव्यांशु जी, बुद्धि राजा जी के साथ ये इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी अच्छी स्टेट मिली है जहाँ पे इतने मेहनती लोग हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और मैं आभारी हूँ आप सबकी कि आप यहाँ पे आए। जो यंग इंडिया बोल सीजन 2, ये जो प्रोग्राम है, यंग इंडिया बोल सीजन 1 जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा और उसमें ऐसे लोगों को जगह मिली जो बिल्कुल आम घरों से है, जिनका कोई पॉलिटिक्स में कोई गुरु नहीं है। और ये राहुल गांधी जी की सोच है जो आज देश में हो रहा है। विद्यार्थी सड़कों पे हैं, उनको बेरोजगारी अपनी सीमा चरण पर है, और उन सबको एक आवाज़, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए यंग इंडिया बोल के ये प्रोग्राम चलाया गया है। और पिछली बार जैसे कि मेरे जैसे और भी मेरे अधिक साथी हर स्टेट में से इसमें सिलेक्ट हुए हैं, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ये हमारा प्रोग्राम है ये 3 स्टेजेस में करवाया जाएगा। 31 मई तक इसके फॉर्म्स जो ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे, और जो भी इसको फॉर्म में भरेगा हर स्टेट में से, उसके साथ जो हमारी टीम है वो कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद जून और जुलाई में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोग्राम करवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद वो स्टेट लेवल, अगस्त और सितंबर में स्टेट लेवल पे एक प्रोग्राम होगा। और जो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट होंगे, और गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को एक नेशनल हमारे IYC के हेडक्वार्टर पे ये प्रोग्राम करवाया जाएगा नेशनल लेवल पे। तो इसकी यही सोच है कि जो राहुल जी चाहते हैं कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं और जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। जो आज हमारे देश में हो रहा है, हम सबको इस बात का पता है कि बेशक कोई विद्यार्थी है या कोई लड़की है, जैसे अलग अलग हमारी मुहिम चलती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी में भाई साहब हमारे यूपी से आते हैं तो इनको पता है कि वो 33%। और इसमें लड़कियों को भी बहुत पहलू दिया जा रहा है। हरियाणा में हमारा ये मकसद रहेगा, हरियाणा जैसी स्टेट में, कि हम इसमें अधिक से अधिक लड़कियों को पार्टिसिपेट करवाएं और उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दें। जी धन्यवाद हरीत जी। जिस प्रकार से बहन जी ने बताया कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है हरियाणा के नौजवानों के लिए, एक मंच कांग्रेस पार्टी हरियाणा यूथ कांग्रेस दे रही है। राजनीति में हर तरीके पे, हर स्तर पे आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और एक स्पोक्स पर्सन का जो सिलेक्शन है यूथ कांग्रेस में, उसके लिए ये एक मंच तैयार किया गया है। और इसमें जैसा कि बहन जी ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो है सम्मेलन होगा, जिसमें हर स्टेट से चुने हुए अच्छे स्पोक्स पर्सन्स वो वहां पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें से जो सभी स्टेट्स के जो साथी आएंगे उनमें से जो अच्छे कुछ स्पोक्स पर्सन होंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो है जगह दी जाएगी। और ये एक जरिया इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के लिए भी है, वहां से जो कुछ साथी कुछ समय के बाद उनको पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम आज हम हरियाणा के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, और 30 तारीख तक सभी हरियाणा के नौजवान जो इसमें हिस्सेदारी भागीदारी करना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसे बाद में युवा कांग्रेस की टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार पोस्टर लॉन्चिंग हमारे इसकी कैंपेन की खड़े होकर एक बार सभी करेंगे।
आज का उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था, आप कोई भी पत्रकार साथी अगर इसमें इसके बारे में या कोई सवाल जवाब हो तो उसके लिए आप कर सकते। देखिए जी, पीसीसी में पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं, परंतु आज का कार्यक्रम आदरणीय प्रभारी जी ने बोला कि हम प्रेस क्लब में करेंगे, वहां शायद मेंटेनेंस का कोई काम हो रहा है पीसीसी में, इस वजह से आज का कार्यक्रम यहाँ किया। दरअसल ये विशुद्ध रूप से जन जागरण का कार्यक्रम है और मीडिया के साथियों के द्वारा हमें पूरा ये एक मैसेज देना है कि इस तरीके का कार्यक्रम हरियाणा युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो और पिछली बार लगभग ज़्यादातर प्रदेशों में पीसीसी कार्यालय में ही इसका विमोचन हुआ था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन इस बार सेंट्रलाइज्ड ही हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस क्लब के माध्यम से जहाँ उपलब्ध हैं, जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ जो हमारे युवा कांग्रेस का हेड ऑफिस है वहाँ, और जहाँ युवा कांग्रेस का कार्यालय और पीसीसी का कार्यालय कॉमन है वहाँ पीसीसी से, तो ये है, तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है। हरियाणा में भी यंग इंडिया आपके बोर्ड सीजन वन में क्या आपको कितना कितने युवा जुड़े, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे इस प्लेटफॉर्म पे हरियाणा का कोई युवा आया हो जो आपको ये लगा हो कि हाँ ये युवा हमें इस यंग इंडिया कार्यक्रम के कार्यक्रम से मिला हुआ सीजन वन की कोई उपलब्धि हो आपके हरियाणा? हरियाणा से पराग शर्मा हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन बनी, वो सीजन वन की पार्टिसिपेंट थी। प्रदेश स्तर के कई स्पोक्स पर्सन हमारे बने, पराग शर्मा बल्लभगढ़ से आती हैं, तमाम हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं नए जो, और इसमें क्या रहता है कि जिन साथियों की पोटेंशियल है कि वो भी जिला स्तर पर उनको एक प्रवक्ता के रूप में काम करना चाहिए युवा कांग्रेस पे, जिनका लिए लगता है उनको प्रदेश स्तर में काम करना चाहिए, जिनके लिए लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको समायोजित किया जा सकता है, तो एक उस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और तमाम हरियाणा से बहुत सारे हमारे साथी निकल करके आए जो जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी समायोजित हुए हैं। और पिछली बार का जो हमारा आयोजन था, जो कि पहला ही सीजन था, लेकिन बहुत सफल रहा ये सीजन हमारा, तो हमें लगता है कि पिछले सीजन से ज़्यादा इस बार लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे और ज़्यादा जो प्रतिभाएं हैं उनको हम इसमें चयन करके शामिल कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म आपने दिया है, राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 33% महिलाओं को आपने रिजर्वेशन देके वहाँ चुनाव मैदान में उतारा, बहुत सारे युवा चेहरे मैदान में थे, लेकिन आपकी पार्टी कांग्रेस की ऐसी क्या कमी क्या रणनीति कि चार जगह पर आप चुनाव में बुरी तरह से हारे और देखिए, वैसे तो मौका यंग इंडिया के बोल के ये इनॉग्रेशन का है, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर दूँ। मैंने खुद भी चुनाव लड़ा इस बार विधानसभा का। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा जो संगठन है वो थोड़ा अभी हम लोग स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका जी पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार वहाँ संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत हद तक हम लोगों को इसमें कामयाबी मिली है। और उसका सबसे पहला उदाहरण ये है कि हम लोग 400 सीटों पर वहाँ अपने प्रत्याशी लड़ा पाने में कामयाब रहे, क्योंकि काफ़ी समय से कभी गठबंधन की वजह से कभी दूसरे कारणों से हम लोग ज़्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं लड़ाते थे, कम सीटों पर हमारे प्रत्याशी वहाँ लड़ते थे। तो जो पिछले 2-2.5 साल का संघर्ष रहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रियंका जी का जो नेतृत्व वहाँ रहा उसमें हमें ये सफलता मिली। और चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना, उसमें प्रत्याशी से लेकर के संगठन से लेकर के और तमाम बहुत सारे पहलू रहते हैं जिन पर बहुत साइंटिफिक तरीके से उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है।
हमें लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बार अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा वोटों के हिसाब से वहाँ भले ही नहीं रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि जो आम वहाँ राय है या आम लोगों का जो मानना है, चाहे वो न्यूट्रल लोग हैं चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, कि कांग्रेस बहुत समय के बाद पहली बार वोट मांगती हुई नजर आई, संघर्ष करती हुई नजर आई। चूंकि उत्तर प्रदेश में मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरीके से पोलराइज करने के लिए बनाए हुए थे चुनावों में, तो चुनावी लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत बहुत मजबूती के साथ और मजबूत नेताओं के साथ आगे संघर्ष करेगी। और 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने टिकट देने का काम किया, उनको चुनावी राजनीति में लाने का काम किया, तो इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक मकसद ही नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, प्रियंका गांधी देश की बड़ी नेता हैं, तो पॉलिटिकल गेन के लिए हमने ये जरूर किया था, लेकिन इसके पीछे एक सोशल हमारा संदेश भी था कि आधी आबादी को यदि उनका अधिकार हम नहीं दे सकते, हम 33% की बात करते हैं पार्लियामेंट में या तमाम जो और हमारे राजनीतिक जो चाल चलन हमारा है, चाहे चुनावी हो चाहे सांगठनिक हो, तो प्रियंका गांधी जी ने एक संदेश देने का काम किया है उत्तर प्रदेश से कि आधी आबादी है उसको पूरा हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रयास किया है और इस प्रयास की सराहना और प्रशंसा होनी चाहिए। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इस जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इसमें दूरगामी संदेश छिपा हुआ है और हम लोग मजबूती से संघर्ष करेंगे और हम लोग ऊपर आएंगे। दीपक जी, अगर कांग्रेस का ओवरऑल पूरे देश के हिसाब से अगर एनालाइज करें, तो जिस तरीके से स्टेट में दरेबाजी है, क्या आपको लगता है कि यूथ आपकी तरफ से उनको अपना भविष्य नहीं दिखेगा, सीधे नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ क्यों जाएंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, ज़्यादा राजनीतिक भाषा बोलनी मुझे आती नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिससे युवा जुड़े हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी को हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर के ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ताओं ने बीते जो मुश्किल का दौर था देश के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस से जुड़ करके लोगों ने काम किया। तो और उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे और प्रदेश हो चाहे बगल में पंजाब हो, तमाम नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने संगठन से लेकर के चुनावी राजनीति से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, अब ये यंग इंडिया का बोल इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, तमाम हम लोग ऐसे मौके नौजवानों को दे रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, अभी आपको याद होगा के राजू जी की पुस्तक का विमोचन था दिल्ली में, राहुल गांधी जी को यदि आपने सुना हो तो मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सफलतापूर्वक लागू नहीं हो सकता जब तक हमारे इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इंस्टीट्यूशंस पर ही मीडिया से लेकर के ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के इलेक्शन कमीशन से लेकर के सभी चीजों पर यदि कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, तो नैरेटिव वो बनता है चुनाव में जो बनाना चाहते हैं। महंगाई की बात, महामारी की बात, गरीबी की बात, पब्लिक वेलफेयर की बात वो नहीं करते, वो बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, वो बात करते हैं कब्रिस्तान और शमशान की, वो बात करते हैं रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की, वो बात करते हैं LIC को बेचने की। तो मेरा ख्याल है कि जब असल मुद्दों पर चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी विजेता के रूप में वहां पर उभरेगी, ये मेरा इस पर कहना। तो
देखिए अनिल जी, आपने दो मुद्दों की बात करी, महंगाई और 134 है। हरियाणा के हर जिले में हरियाणा युवा कांग्रेस ने महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार इस पर प्रदर्शन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। 134 ए का मुद्दा जो हरियाणा के, शायद ही कोई ऐसा मकान होगा हरियाणा के अंदर, कोई घर होगा जिसको ये मुद्दा अफेक्ट नहीं कर, उसके लिए हमने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और परसों ही मीडिया के द्वारा ये जानकारी मिली कि सरकार ने वो फैसला रोल बैक किया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा युवा कांग्रेस जब से हमारी नई मजबूत कमेटी गठित होकर आई है, लगातार नौजवानों की आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। 134 ए का फैसला जिसमें गरीब परिवार के बच्चे को जो अधिकार मिलता था प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का, वो हरियाणा सरकार ने छीन लिया था। बट बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा युवा कांग्रेस के संघर्ष के कारण सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। हमने माननीय राज्यपाल जी से भी इसके लिए समय मांगा था, परंतु उनके समय मिलने से पहले ही सरकार ने ये फैसला जो है वापस लिया है। आने वाले समय में भी जिसमें ग्रुपबाजी की आपने बात करी, हरियाणा युवा कांग्रेस का काम है जब विपक्ष में है तो सड़कों के ऊपर नौजवानों की, हरियाणा के जनमानस की आवाज उठानी, वो लगातार हरियाणा युवा कांग्रेस करती रहेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं मीडिया के माध्यम से हरियाणा के हर एक नौजवान को कि हरियाणा के अंदर किसी भी अगर वर्ग की आवाज, किसी भी व्यक्ति विशेष की आवाज अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हरियाणा युवा कांग्रेस उनकी प्रखर आवाज बनकर इस सरकार के सामने खड़ी होगी। ये मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा के हर एक नौजवान को विश्वास दिलाता हूं। दिवंगत 7 तारीख को जो है वो यहां पर एक विधायक के विरोध में कांग्रेस का कार्यक्रम था, हरियाणा कांग्रेस का। आपको तुम्हारे सैलजा की तरफ से या हरियाणा कांग्रेस कार्यालय की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था क्या? दूसरा, उसमें पुलिस ज्यादा और आपके कार्यकर्ता कम पहुंचे थे, यानी युवा अगर बुलाया नहीं गया था या साथ देना नहीं चाह रहे थे? देखिए, 7 तारीख को पार्टी का कार्यक्रम था और मैं किसी निजी कारण की वजह से उसमें नहीं पहुंच पाया था, और उससे पहले युवा कांग्रेस के हर जिले में अपने अपने कार्यक्रम हुए थे जिसमें बढ़ चढ़कर हमारे सभी पदाधिकारियों ने, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी यहाँ मौजूद हैं, तो हम सभी वहां मौजूद थे। अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, जो विपक्ष का काम है लोगों की आवाज उठाने का वो हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। यानी बुलाया था आप निजी कारण से? हाँ जी, बुलाया था। बिल्कुल, आपने सही बात कही। सबसे पहले HPSC HSCC के अंदर जो ये भ्रष्टाचार का मामला आया है, वैसे तो हरियाणा के हर विभाग में, परंतु क्योंकि युवा सेंट्रिक मैं बात करना चाहूंगा, आज हरियाणा के अंदर जो भर्ती घोटाला पिछले हाल ही में हुआ, जब एक अधिकारी के ऑफिस में कैश बरामद हुआ, उसके तुरंत बाद हरियाणा युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, चाहे वो विधानसभा के बाहर एक दुकान लगाने की बात हो या जिले के अंदर प्रदर्शन करने की बात हो या HPSC HSSC के घेराव करने की बात हो। और बिल्कुल आज सिर्फ अशोक खेमका नहीं, आज हर व्यक्ति जो सिर्फ BJP और JJP को छोड़कर जो लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, जो विपक्ष में है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार केवल एक विभाग में नहीं, आज हरियाणा के हर विभाग में, चाहे वो मिस्ट्री घोटाले की बात हो, चाहे वो खनन माफिया की बात हो, तो दिन प्रतिदिन ऐसी चीजें जो आ रही हैं और इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में भी जिस प्रकार की चीजें उजागर हो रही हैं, आने वाले समय में हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस सरकार की सच्चाई लोगों के लिए जाने का काम। हरियाणा कांग्रेस की जहां तक आपने बात करी, वो
जितने भी हम आपके सामने सात आठ लोग बैठे हैं, हमारे कार्यक्षेत्र में वो चीजें नहीं आती। पार्टी का फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का फैसला है, राहुल जी का फैसला है। क्योंकि हमारी अगर कोई राय पूछेगा तो जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पे वो राय रखेंगे, पर इसमें हाईकमांड डिसीजन लेगा तो वो सभी को शर्म मानना होगा। नहीं, हरियाणा युवा कांग्रेस से इस बारे में कोई सलाह नहीं। जहां हमसे पूछा जाता है, बुलाया जाता है, वहां अपने स्तर पर जो हमने बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखनी हो, वो हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हो, राष्ट्रीय प्रभारी के माध्यम से हो, हम जरूर अपना जो है सजेशन रखते हैं। परंतु इस बारे में जो फैसला होगा वो मीडिया के माध्यम से ही पता लग रहा है, जिस प्रकार की चर्चाएं आप बता रहे हैं, तो जो ये फैसला होगा सभी को शर्म आने। नहीं, मैंने बताया कि प्रदेश में जो भी फैसला होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा, और चाहे वो किसी भी स्तर का फैसला हो। तो ये 3 साल से फैसला और कहीं सर्वमान्य क्यों नहीं युवा कांग्रेस? नहीं, सभी को सर्वमान्य है, हमारे लिए सभी आदरणीय, हमारे सभी नेता है प्रदेश के, इसमें कोई ऐसी बात। सब आपके साथ बैठे हैं, सामने बैठे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी के लिए चाय का अरेंजमेंट है, प्लीज 5 मिनट चाय जरूर। थैंक यू।